एक्चुअली में सिनेमा क्या होता है ये तुम्बाड़ हमें कुछ सालों पहले ही बता चुकी है। डरावनी फिल्मों में अपना एक अलग ही पहचान बना चुकी इस फिल्म का संगीत हिंदी सिनेमा के इतिहास में इसके ऊपर एक अलग ही अध्याय लिखा हुआ देखने को मिलता है। तुम्बाड़ ये फिल्म इस हफ्ते फिर से सिनेमाघरों में री रिलीज हो रही है और सबके अपेक्षाओं को पूरा करते हुए तुम्बाड़ ने अपने री रिलीज इवेंट पे एडवांस बुकिंग में इतने पैसे कमाए हैं कि 2018 के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का उतना कलेक्शन भी नहीं हुआ होगा। ये फिल्म ऐसे ही रिकॉर्ड बनाती रही तो आने वाले दिनों में एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। फिल्म विश्लेषक और माउथ पब्लिसिटी से इस फिल्म के बारे में जो हवा बनी थी, इस फिल्म के री रिलीज से इस फिल्म के कलेक्शन के लिए शुभ संकेत देखने को मिल रहे हैं। वैसे भी लोकप्रिय 10 फिल्मों में तुम्बाड़ का ऐसे ही नाम नहीं लिया जाता। मुगल आजम शोले और बाहुबली जैसी फिल्मों के साथ में जब तुम्बाड़ इस फिल्म का नाम लिया जाता है तब हमने भी कुछ अच्छा देखा इस बात के ऊपर फक्र होता है। इस साल मुंजा और स्त्री 2 जैसी फिल्में हास्य और हॉरर का एक वियर्ड कॉम्बिनेशन देती हुई दिखाई दे रही थी और हॉरर के इस बदलते रूप से दर्शक भी उतने ही आकर्षित थे, उतने ही फिल्मों के ट्रेड एनालिस्ट भी अपना सर पकड़ के बैठे थे। मतलब तुम्बाड़ के हर सीन दर सीन में आपको नाट्य के जो नौ रस देखने को मिले है वो आपको ऐसे ही हुक करके नहीं जाते है। लगभग 6 सालों की मेहनत के बाद में तुम्बाड़ जैसी फिल्म बन पाई थी। ऐसे में बॉलीवुड में एक साल में 4-4 फिल्में करने वाले से कहां क्वालिटी की उम्मीद की जा सकती। फिल्म में जो बारिश का लंबा शॉट देखने को मिला है वो असली बारिश में लिया गया है। कहा जाता है कि फिल्म में जो उपयोग में लाई गई बस है वो 1935 साल की है जो कहानी के प्रति मेकर्स की समर्पता को बखूबी दर्शाती है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स को स्वीडन में तैयार किया गया है। इसके साथ में इसकी कहानी भी एक वजह है जो फिल्म की लोकप्रियता को बरकरार रखे हुए है। दादा दादी से माँ बहनों से जो कहानियां सुनी है उन्हें दर पदर एक दूसरे में समझते हुए बड़े पर्दे के लिए अलग ही लेवल की कहानी बनाना उस दशक की शायद एकलौती ऐसी फिल्म होगी जो एंटरटेन के साथ साथ सामाजिक संदेश देने का भी काम करती है। पांडुरंग विनायक और दादी जैसे रेगुलर कैरेक्टर और ना मानो जिससे कभी मुलाकात हो ऐसा हस्तर जैसा विलेनिश कैरेक्टर आज तक लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आते रहे हैं। लालच एक हद तक ही सही साबित होता है। ओवरऑल देखा जाए तो लालच बहुत बुरी बला है। इस टैगलाइन को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए तुम्बाड़ की कहानी लोगों को खूब ज्यादा पसंद आ रही है। लोग भी बड़े उत्साह से इसे खूब ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने तुम्बाड़ को इसके पहले नहीं देखा है, इसके बारे में चर्चा सुनी है, यही समय है थिएटर में जाके इसके मैजिक को फिर से महसूस करने का। तो दोस्तों तुम्बाड़ ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरी बातें और मेरे कहने के ऊपर गौर करना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।